दोस्तों आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पर आए हो तो बने रहिएगा और बात को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो समय आप इस वीडियो को देखने में लगाएंगे उसका सही इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हो, और फ़ायदा तभी होगा जब आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बातें तो हम सब बहुत करते हैं, और हम सभी के बात करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई अनायास ही बात करता है तो कोई काम की बात करता है, मतलब की बात करता है, और कोई इतना बात करता है कि उसके बात करने की कोई सीमा ही नहीं होती, और कोई इतना कम बात करता है कि ऐसा लगता है कि शायद ही वो कभी बात करता है, मतलब कि एकदम शांत स्वभाव। मगर हम लोग किसी की बातों को वैल्यू देते हैं तो किसी की बातों को आया राम गया राम समझकर हवा में उड़ा देते हैं। दोस्तों इसकी वजह होती है, और वजह ये होती है कि बात को कहने से ज़्यादा बात को सूझबूझ के साथ कहना ज़्यादा श्रेयस्कर और फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों कोई भी इंसान, चाहे वो हमारा सीनियर हो या जूनियर हो, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो, हमारे घर का कोई सदस्य हो या फिर बाहर के लोग, संगी साथी या रिश्तेदार, हमारी बात को कोई भी तभी वैल्यू देगा जब हमारी बात में कोई दम होगा, हमारी बात का कोई मतलब निकलेगा और हमें बात करने का तरीका मालूम हो। दोस्तों बात कोई भी हो, कैसी भी हो, अगर हमें बात करने का तरीका मालूम है तो सभी लोग हमारी बात को सुनेंगे और वैल्यू भी देंगे, और इन सब का पता हमें उस समय लगता है जब सामने वाला हमारी बातों पर रिएक्शन देता है, अपनी एक्टिविटी दिखाता है। दोस्तों अगर हमारी बातें सामने वाले को अनायास या बेमतलब की लगती हैं तो वो हमारी बात को बीच बीच में काटने लगता है। उसके चेहरे के हाव भाव से, उसकी एक्टिविटी से पता चलने लगता है कि वो हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है या सिर्फ सुनने का नाटक कर रहा है, यानी आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा है। दोस्तों उसकी इस प्रतिक्रिया से हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो बात हम सामने वाले से कर रहे हैं या और भी दूसरों लोगों से करते हैं, वो लोग हमारी बातों को कितना वैल्यू दे रहे हैं और देते भी हैं या नहीं। अगर देते हैं तो बहुत अच्छा, मार्केट में आपकी वैल्यू है, और अगर नहीं तो आपको अपनी बात करने का तरीका बदलना होगा। बेकार की टाइम पास करने वाली बातों को छोड़कर वैल्यूएबल बात करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी से जब कोई बात करते हैं और सामने वाला हमारी बात को वैल्यू नहीं देता, आनाकानी करके बात को बीच बीच में काटता रहता है या काटने की कोशिश करता है कोई ना कोई बहाना करके, हमारी बात को बिना सुने हमसे दूर जाने की कोशिश करता है या चला जाता है, तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, और वो इंसान हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारी वैल्यू उसकी नज़र में कितनी है,
और कोई कोई तो हमसे झगड़ा भी कर लेता है। दोस्तों, उस समय हमें थोड़ा दुख तो होता है, मगर इससे हमें दुखी होने की या डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है तो उसके इस निगेटिव रिएक्शन से कुछ सीखने और समझने की, और अपने बात करने के तरीके में सुधार लाने की। दोस्तों, हमें कोई अनसुना तभी करता है जब हमारी बातों में दम नहीं होता, उसे हमारी बातें बेतुकी और बकवास लगती हैं, और जिन्हें सुन सुनकर सामने वाला बोर होने लगता है, और इसी बात को हमें समझने की ज़रूरत है और कोशिश करने की ज़रूरत है कि जब आप अगली बार किसी से बात करें तो आपकी बातों का कोई मतलब निकले, किसी अच्छे टॉपिक पर बात करें और जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, ताकि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट ले। इससे आपको भी फायदा होगा और सामने वाले को भी। आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी बातें सुनने लायक हैं तो सुनना चाहिए, तो वो भी आपसे जवाब में कुछ इसी तरह की बातें करेगा जिससे आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा या कुछ नई जानकारी मिलेगी। और आपको तो पता ही है कि अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी है तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी उसका फ़ायदा हमको मिलता ही है, या हमारी वजह से किसी और का भला हो जाता है। और अगर किसी का हमारी बातों से या हमारे किसी हेल्प या जानकारी से सामने वालों को भला होता है तो ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके रिएक्शन में सामने वाला भी हमारे किसी काम आ जाता है, या फिर हमारा तालमेल अच्छा हो जाता है, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं, कोई जॉब करते हैं, या आपका कोई छोटा या बड़ा बिजनेस या धंधा है, तो हमारे अच्छे तरीके से बात करने की वजह से हमारे कस्टमर हमसे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। इससे हमारा बिजनेस वैल्यू बढ़ जाता है। ये तो थी दुनियादारी की बात। और अगर अब रिलेशन की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन पैसों की वजह से ही बनता या बिगड़ता है। हमारे बात करने के तरीकों से भी रिलेशन बनता और बिगड़ता है। चाहे कोई भी रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशन हो, हमारी बातों से अगर हमारे लोगों को तकलीफ़ होती है तो हमारे रिश्तों में मनमुटाव और दरार आ जाती है, जिससे बसा बसाया घर अच्छे से अच्छे रिश्तों में भी दरार आ जाती है। और वहीं अगर हमारी जबान, हमारे बात करने का तरीका अच्छा है, हम सोच समझ कर बात करने में सक्षम हैं, तो बना बनाया रिश्ता तो बना ही रहता है। और अगर रिश्ते में दरार हो, मनमुटाव हो, तो हमारे अच्छे चाल चलन और हमारे अच्छे बात व्यवहार से वो भी ठीक हो जाता है। और कंपनी के सेट और वर्कर लोगों में भी यही बात होती है। अगर कंपनी के सेट और वर्कर लोगों के बीच बात व्यवहार का तरीका अच्छा है, बातों का आदान प्रदान अच्छा है, तो कंपनी का सेट भी खुश और फायदेमंद रहता है और वर्कर लोग भी खुश और फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि दोनों को ये एहसास हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा ना आपने, सूझबूझ के साथ बात करने और अनायास और बेतुकी बात करने में कितना फर्क और फायदा होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी से भी बात करनी हो
तो ढंग से और मतलब की बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक समाप्त होती है। आप सभी लोगों से आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और अमल में लाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहली बार आए हैं, ये आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहला विजिट है और अभी तक आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे और भाइयों की तरह सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी, ताकि आपको भी हमारे मोटिवेशनल वीडियो की सारी अपडेट मिलती रहे और आप भी फायदा उठाते रहें। मगर उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए जैसे सिंगिंग, राइटिंग और एक्टिंग से रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कोई ग्रुप कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर चाहिए जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं ये खुशी के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के प्रेम, दुलार, आशीर्वाद और सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल ग्रो होता जा रहा है। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, मेरी YouTube फैमिली बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ और मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं खासकर मेरे नए दर्शक भाइयों से अनुरोध और विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर अब तक उन्होंने हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान और सपोर्ट अवश्य दें। तो दोस्तों, आप सभी दर्शक भाइयों को चलते चलते एक बार फिर से साजन का प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।